गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ जियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर विच इज गोइंग ऑन इज ह्यूमन एनवायरमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर एंड फ्रॉम लास्ट पीरियड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज पीरियड विथ चैप्टर ह्यूमन एनवायरमेंट। And please open your book and please be attentive. So, dear students, the chapter is human environment. We have already discussed about roadways in last period. Today we will discuss about the railways. So, railways are a quick means of transport over long distances at a comparatively lower cost. Quick means of transport है, लंबी दूरी के लिए, long distances के लिए, और cost जो है comparatively कम होता है. Railways carry raw materials to industrial regions and distribute the finished goods inside the country or carry them to the ports for export. बहुत सा काम है रेलवे का, तो रेलवे रॉ मटेरियल्स कैरी करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स के लिए और फिर उसी रीजन से फिनिश्ड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के दूसरे पार्ट्स में, यहां तक कि वो पोर्ट्स पे भी इसको कैरी करते हैं जिससे कि वहां से इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। सो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज आर relief features of the region, the density of population, the availability of natural resources and the level of economic development. तो वो relief features जिस पे railways के का development depend करता है वो है relief features, वो ये सारे factors है which we are talking about. तो relief features of the region, region का relief features कैसा है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कैसा है और उस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट तो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रेलवेज आर, अब रेलवेज का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। इट इज इजियर एंड cheaper to construct railways in the plains than in the mountains. Dear students, plains में, plain की बात कर रहा हूं, plains areas की बात कर रहा हूं, तो plains में railway construct करना easy भी है और cheaper भी है, लेकिन अगर इसको mountain पे construct करते हैं तो वहां पर यह costly है। एक तो बहुत मुश्किल होती है mountains पे railway बनाने में और ये कॉस्टली भी है। तो इट इज इजियर एंड चीपर टू कंस्ट्रक्ट रेलवेज इन द प्लेन्स देन इन द माउंटेन्स। उसके बाद द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ द रेलवेज हैज बीन इंक्रीज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल ट्रैक्स एंड द यूज ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। रेलवे की स्पीड, रेल की स्पीड और उसकी कैपेसिटी, ये पिछले कई सालों में लगातार ये बढ़ा है, स्पीड भी बढ़ी है और कैपेसिटी भी बढ़ी है। ऐसा क्या किया, तो बाय कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल ट्रैक्स, मल्टीपल ट्रैक्स बनाए गए, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का यूज शुरू हो गया। तो दीज आर द रीजंस जिससे कि रेलवे की स्पीड और रेलवे की कैपेसिटी वो दोनों जो है वो बढ़ गई है। उसके बाद The broader the gauge, the greater is the capacity of the railways to carry load. आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन कई तरह के होते हैं, है ना, जो दो रेलवे लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस जिसको हम गेज कहते हैं, तो अगर गेज जितना ज्यादा होगा, जितना ब्रॉड होगा, उतना ही उसके लोड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सो द ब्रॉडर द गेज द ग्रेटर इज द कैपेसिटी। अगर गेज ज्यादा है, दोनों लाइन के बीच की दूरी ज्यादा है, तो वो ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है। अगर वो दूरी कम है तो वो कम लोड को कैरी करेगा। तो द ब्रॉडर द गेज द ग्रेटर इज द कैपेसिटी ऑफ द रेलवेज टू कैरी लोड।
A dense railway network is an indication of the prosperity of the region. ये जो dense railway network है ये किसी region के prosper होने का indicate है. अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर रेलवे बहुत डेंस है, वहां पर रेलवे नेटवर्क बहुत डेंस है, तो आप मान के चलो कि वो रीजन बहुत प्रॉस्पर होगा. ओके, देन सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सम एडवांस्ड कंट्रीज. कुछ एडवांस्ड कंट्रीज है वहां पर सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, सुना है ना. सो विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मेनी इनअसेसिबल पार्ट्स आर नाउ लिंक्ड बाय रेलवेज. देखो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से ऐसे एरियाज भी रेलवे से लिंक हो गए हैं जहां पर पहले रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल था. For example, the train between Lhasa and Xining runs at an altitude of about 4000 meter above the sea level. ये जो लासा से जिनिंग के बीच का जो ट्रेन है वो 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे है. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से. After that, the densest railway network is found in western Europe and east central North America. जो सबसे ज्यादा western जो densest railway network है वो western Europe और east central North America में पाया जाता है. उसके बाद the Trans-Siberian railway is the longest railway system. अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, दैट इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे. इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम. इट कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. ये बहुत लंबी दूरी है. इट कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. There are trans-mountain railway lines across the Pyrenees, the Alps, and the Carpathians in Europe. ये जो trans-mountain railway lines हैं, जो कि Pyrenees, the Alps, the Carpathians, जो कि Europe में हैं, वहाँ पे पाया जाता है. After that, the railway network in Africa, Asia, Australia and South America was developed by the Europeans to utilize the natural resources of the region. अगर अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका की बात करें, तो वहां पर जो रेलवे नेटवर्क है उसको किसने डेवलप किया? तो वो यूरोपियंस थे जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया इन एरियाज में, इन कॉन्टिनेंट्स में. द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अगर इंडिया के रेलवे नेटवर्क की बात करें तो ये एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में फोर्थ पोजिशन पे है. सो India is the largest in Asia and the fourth largest in the world. ठीक है, तो हम लोगों ने रोडवेज और रेलवेज की बात कर ली. अब जो थर्ड टर्म है इसमें वो है वाटरवेज. वाटरवेज, तो वाटरवेज आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. वाटरवेज जो है वो सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है अगर बल्कि गुड्स को कैरी करना हो तो, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए. देखो वाटरवेज दो तरह के होते हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज और दूसरा सी रूट्स. अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सो वाटरवेज कंप्राइज इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. तो पहले बात करें इनलैंड वॉटरवेज की. सो नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज इनलैंड वॉटरवेज.
नेविगेबल रिवर्स, लेक्स और कैनल्स, इनको इनलैंड वाटरवेज की तरह से यूज किया जाता है. एंड देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द वाटरवे एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो. तो ये जो इनलैंड वाटरवेज, इनका जो डेवलपमेंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेप्थ है, कितने गहरे हैं. क्योंकि बड़े बड़े शिप को चलाने के लिए वहां पे डेप्थ ज्यादा होना जरूरी है और उसकी विड्थ भी ज्यादा होनी जरूरी है. सो देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द वाटरवे एंड द उसकी फ्लो की कॉन्टिन्यूटी क्या है. सो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज डिपेंड्स, दैट इज डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द वाटरवे एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो. So the Great Lakes between USA and Canada, along with the St. Lawrence River, is the largest and the busiest inland waterway in the world. The Great Lakes, USA और Canada के बीच में जो है St. Lawrence River में, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे busy inland waterway है. Large rivers like the Nile, the Amazon, the Mississippi, the Yangtze, the Rhine and the Ganga, they are also important inland waterways. I am repeating, large rivers like kaun kaun se, the Nile, the Amazon, the Mississippi, the Yangtze, the Rhine and the Ganga, they are also important inland waterways in the world. Dekho, many countries have interlinked their navigable rivers by constructing canals. बहुत सारे देशों ने क्या किया है कि जो उनके navigable river है, navigable का मतलब जहां पर जो है waterways बनाए जा सके, जहां से commercial activity किया जा सके water के through, तो उन्होंने rivers को आपस में connect किया है. और कैसे connect किया है, तो canals बना के connect किया, interlink किया है. And some of the well-known canals in the world are the Suez, the Panama and the Kiel. ये दुनिया के well-known canals हैं दुनिया के. कौन-कौन से? The Suez Canal, the Panama Canal and the Kiel Canal. तो हम लोगों ने inland waterways के बारे में पढ़ा. Now we have to discuss about sea routes. तो seas and oceans are used to transport goods from one continent to another. Seas और oceans, इनको use करते हैं goods को एक continent से दूसरे continent तक पहुंचाने के लिए. So, अगर important दुनिया के important sea routes की बात करें, तो the North Atlantic route, ये जो North Atlantic route है, it connects Eastern North America and Western Europe. It is the busiest route in the world. ये दुनिया का सबसे busy route है. कौन सा? The North Atlantic route, जो कि Eastern North America और Western Europe को connect करता है. उसके बाद जो second है, the Mediterranean and the Indian Ocean route. ये क्या करता है? It connects the countries of Europe with East Africa, South Asia and the Far East. Mediterranean and the Indian Ocean route है, ये यूरोप के कंट्रीज को ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया और फार ईस्ट से कनेक्ट करता है. उसके बाद द केप रूट. द केप रूट बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड द फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वॉज इंपॉर्टेंट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्वेज कैनल. देखो, ये जो केप रूट था वेस्टर्न यूरोप और फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, स्वेज कैनाल के कंस्ट्रक्शन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था. लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गया तो इनकी जरूरत कम हो गई. तो अगर सीपोर्ट्स की बात करें दुनिया के, तो टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर, कराची, कैरो, डरबन, केप टाउन, लंदन, रोटरडम, न्यूयॉर्क, शिकागो एंड लॉस एंजलस आर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. ये दुनिया के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं. कौन कौन से?
टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर, कराची, कैरो, डरबन, केप टाउन, लंदन, रोटरडम, न्यूयॉर्क, शिकागो एंड लॉस एंजेलिस, दे आर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो नेक्स्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम लोगों ने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयरवेज। सो द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एयरवेज का जो डेवलपमेंट है वो अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। स्पीड इज द ओनली फैक्टर फॉर विच एयर ट्रांसपोर्ट इज प्रेफर्ड ओवर लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट को लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट पे प्रेफर तभी किया जाता है जब स्पीड मैटर करे। आपको कोई चीज या कोई गुड्स कहीं दूसरी जगह पे जल्दी से पहुंचाना हो, देन यू चूज एयर ट्रांसपोर्ट। ये अलग बात है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। द मेन ऑब्स्टेकल इन एयर ट्रांसपोर्टेशन इज बैड वेदर कंडीशंस सच एज फॉग एंड रेनफॉल। जो मेन प्रॉब्लम है एयर ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या क्या है? बैड वेदर कंडीशंस लाइक फॉग एंड रेनफॉल। अगर ये होता है तो ये एक तरह से एयर ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। देन एयरवेज कैन रीच द रिमोटेस्ट एंड द मोस्ट इनअसेसिबल एरियाज वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो फिर एयरवेज से आप कहीं भी जा सकते हैं, वो सबसे ज्यादा रिमोट एरिया हो या सबसे ज्यादा इनअसेसिबल एरियाज हो, जहां पर कोई रोड ना हो, कोई रेलवेज ना हो, वहां पर भी आप एयरवेज के थ्रू जा सकते हैं। सो एयरवेज कैन रीच द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इनअसेसिबल एरियाज। हेलीकॉप्टर्स आपने कई बार देखा होगा, हेलीकॉप्टर्स आर वाइडली यूज टू हेल्प पीपल एट टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। आपने न्यूज में देखा होगा कि जब कभी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर बहुत वाइडली यूज होता है लोगों को वहां से निकालने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। सो हेलीकॉप्टर्स आर वाइडली यूज्ड टू हेल्प पीपल एट टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। डिफरेंट नेशंस परमिट एरोप्लेन्स टू फ्लाई ओनली थ्रू अ फिक्स्ड कॉरिडोर। ये जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, वो एरोप्लेन्स को केवल जो फिक्स कॉरिडोर है, जो फिक्स पाथ है, वे है, उसी से उड़ने की इजाजत देते हैं। अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर एयरवेज की बात करें और डेंस नेटवर्क की बात करें तो वो वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया में है। पेरिशेबल एंड कॉस्टली गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। पेरिशेबल आइटम्स जो एक समय बाद खराब हो जाए, वो आइटम्स और जो कॉस्टली आइटम्स हैं, उनको एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखो दो तरह की एयर सर्विसेज हैं, कौन कौन से? एक तो डोमेस्टिक और दूसरा इंटरनेशनल। डोमेस्टिक जब एक देश के अंदर में ही गुड्स को वो कैरी करते हैं या पीपल को कैरी करते हैं तो वो डोमेस्टिक हो गया, लेकिन एक देश से दूसरे देश को अगर कोई गुड्स या पीपल को कैरी करते हैं तो वो हो गया इंटरनेशनल। और ज्यादातर जो ऑपरेशंस है एयरवेज का वो प्राइवेट कंपनीज करते हैं, है ना। आपने सहारा का नाम सुना होगा, आपने एयर इंडिगो का नाम सुना होगा, और इस तरह से बहुत सारे हैं। तो अगर मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो दे आर दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट, कैरो, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, रियो डी जेनेरियो, सिडनी एंड मेलबर्न। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दे आर, अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग,
सिंगापुर, दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट, केरो, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, रियो डी जेनेरियो, सिडनी एंड मेलबर्न। क्लियर? तो हम लोगों ने एयरवेज के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो, इन एंशियंट टाइम्स, पहले पुराने समय में मैसेजेस हम लोग कैसे डिलीवर करते थे? तो मैसेजेस वर डिलीवर्ड बाय बीटिंग हॉलो ट्री ट्रंक्स और ड्रम्स। पहले हॉलो ट्री ट्रंक्स को बीट करते थे, ड्रम्स को बीट करते थे, और फिर जो भी मैसेज देना होता था देते थे। आपने बहुत सारे कहानियों में पढ़ा होगा कि जब राजा के यहां कोई मैसेज डिलीवर करना होता था तो वो ड्रम पीटते थे। ड्रम पीटने के बाद क्या होता था, सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और फिर वो इंफॉर्मेशन देते थे। उसके बाद क्या हुआ, बर्ड्स एंड एनिमल्स वर यूज टू डिलीवर मैसेजेस। बाद में एनिमल्स और बर्ड्स का यूज होने लगा जिससे कि मैसेज को वो डिलीवर कर सके। उस समय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर द सेम। उस समय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वो दोनों सेम थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हम लोगों ने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया और अब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द पेनी पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। ये जो पेनी पोस्ट है जहां से हम लोग चिट्ठियां लिखते हैं, सबसे पहले ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ, और इंडिया उन कुछ देशों में एक है जिसने एयरमेल बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया 1912 में। सो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस एयरमेल एज अर्ली एज 1912। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑन लार्ज स्केल। जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो उसका क्या फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ कि बुक्स प्रिंट होने लगे, मैगजीन्स प्रिंट होने लगे, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे, और वो भी लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, देन द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इंट्रोड्यूस्ड अ वायरलेस मीडियम इन कम्युनिकेशन। रेडियो का इन्वेंशन हुआ, टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ, इसकी वजह से कम्युनिकेशन का वायरलेस मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया। इट ऑल्सो मेड कम्युनिकेशन विथ मिलियंस ऑफ पीपल पॉसिबल एट द सेम टाइम। रेडियो टेलीविजन का क्या फायदा है कि आप एक समय में लाखों लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब हम किसी एक मीडियम से एक ही समय में हजारों लाखों लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, या उनसे बात कर सकें, या उनको मैसेजेज भेज सकें, तो इस तरह के मीडियम को, इस तरह के कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो वी कैन से दैट रेडियो एंड टेलीविजन आर द एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीग्राफ, केबलग्राम, टेलीफोन एंड रडार, दे हैव क्रिएटेड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हुआ, केबलग्राम का इंट्रोडक्शन हुआ, टेलीफोन, रडार, इन सब के इन्वेंशन और इन सब के इंट्रोडक्शन का फायदा क्या हुआ कि कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो बहुत एफिशिएंट हो गया। अब हम अपने घर बैठे दुनिया में कहीं भी किसी से बहुत कम समय में और बहुत कम कॉस्ट पे बात कर सकते हैं। तो वी कैन से ये जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, इसने कम्युनिकेशन को इजी बना दिया, एफिशिएंट बना दिया, और चीप बना दिया, सस्ता बना दिया। फिर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड फास्टर। जब सैटेलाइट्स बने तो सैटेलाइट्स बनने का फायदा क्या हुआ कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, अब इजी हो गया, पहले से फास्ट हो गया। दे हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का फोरकास्टिंग, वेदर का फोरकास्टिंग में बहुत मदद मिलने लगी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और शॉर्ट में ईमेल्स कहते हैं,
through the internet and cellular phones have enhanced the speed of communication. चाहे वो फैक्स हो, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे वो सेलुलर फोन्स हो, इन सब ने क्या किया, इन सब ने कम्युनिकेशन के स्पीड को बढ़ा दिया. सो विद द इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फिजिकल डिस्टेंसेस हैव रिड्यूस्ड. तो जितने कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट हुए हैं ना, तो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो गया. आप अमेरिका में बैठे हुए इंसान से भी बड़े आराम से अपने सेलुलर फोन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप लाइव बात कर सकते हैं. तो वी कैन से कि बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन, नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी. आज के डेट में ये जो दुनिया है एक ग्लोबल सोसाइटी बन गया है. हम अमेरिका जाने में हमको अब समय नहीं लगता और अमेरिका में बैठे आदमी से बात करने में समय नहीं लगता. तो ये ग्लोबल सोसाइटी हो गया है. और ये किस वजह से हुआ है, तो इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट वी मेनली डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अबाउट different types of settlements, settlements in rural settlements and urban settlements. उसके बाद हम लोगों ने discuss किया means of transport. Means of transport में we discussed about roadways, railways, waterways and airways. And at last we discussed about communication. So that's all for today, dear students. Please read all the topics carefully. We will meet in next class with new chapter. Till then, thank you and have a nice day.